तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक छोटा सा फ्लावर बनाएंगे। पहले हम 6 चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 चैन बनाने के बाद पहली चैन पे ऐसे बना लेंगे, होल बना लेंगे। अब क्या करेंगे, 4 चैन बनाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अब यहाँ से अब डबल धागा लेंगे। ऐसे हम जब बनाते हैं तो सिंगल धागा ऐसे लेते हैं, तो अब यहाँ पे एक बार धागा लिया, फिर दोबारा ऐसे डबल धागे हमने लेने हैं। अब इस होल के अंदर ऐसे बनाएंगे, ऐसे पहले एक बार डबल धागे पे बनाएंगे, फिर दोबारा पहले ऐसे बनाएंगे, फिर उसके बाद ऐसे बनाएंगे, फिर तीसरे ऐसे बना देंगे, फिर उसके बाद एक बार धागा लिया, फिर 2 बार ऐसे ही इसे बनाना है। एक बार बन गया, डबल क्रोशिया 2 बार हमें करना है, 3। अब 1 2 बार फिर लेंगे, फिर तीसरी बार बनाएंगे, पहले डबल क्रोशिया करेंगे, फिर दोबारा से डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे, फिर उसके बाद ऐसे बना लेंगे। पहले हमने 4 चैन बनाई थी, फिर 3 बार हमने डबल धागे पे से बनाया, 3 बनाए हैं, फिर 4 चैन फिर बना लेंगे, 1 2 3 4, फिर से सिंगल ही बना लेंगे। सिंगल बना लिया, तो ऐसे ये फूल बन गया हमारा। एक बार और बता देती हूँ, एक बार फिर बता देती हूँ मैं आपको। 4 चैन बनाएंगे पहले, 1 2 3 फिर 4, 4 बार चैन बना ली, फिर उसके बाद डबल धागा लेंगे, एक बार और 2 बार पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरी बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया, फिर डबल पर धागा लेंगे, फिर पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दोबारा डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे बना लेंगे, फिर डबल धागा लेंगे 1 बार, फिर 2 बार डबल क्रोशिया, एक बार 4 चैन बनाएंगे, फिर 3 बार डबल धागा करते हुए बनाएंगे, फिर 4 चैन बना लेंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर इसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे, तो ये ऐसे हमारे फ्लावर की पत्तियां बनी है। और इसे अब हमें 6 बार बनाना है, 2 तो हमने बना लिए हैं, तो 4 और बना के ऐसे, 4 ऐसे और बना के फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारा फ्लावर बन के तैयार हो गया है, 1 2 3 4 5 6, 6 पत्ती मैंने इसमें बनाई है। तो ये ऐसे बन के, अगर आपको ये अच्छा लगा हो जो पैच ये मैंने बनाया है फ्लावर का, तो
तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे। थैंक यू।